हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बीकेडी संस्कृत में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमावत आज आपको पढ़ाऊंगा संधि। तो सबसे पहले यानी संधि पढ़ने से पहले जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो संधि पढ़ने के लिए एक तो हमें पता होना चाहिए कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। एक तो स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जो बिना किसी की सहायता से बोले जा सकते हैं वो स्वर कहलाते हैं। जैसे ए आ ई आदि, ये क्या है? स्वर है। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं। जैसे क ख ग घ, ये क्या है? व्यंजन। जो भी व्यंजन होते हैं, सभी व्यंजन, इनमें क्या होता है? अंत में स्वर मिले हुए होते हैं। जैसे ये क है तो क में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। यानी कैसे बना ये? क और ए से मिलकर क्या बना है? ये क बना है। तो अब संधि के लिए हमें इनको इनके बारे में अच्छी तरह से जानना जरूरी है। तो हम एक बार व्यंजनों को लिख लेते हैं, पूरे व्यंजन और स्वर को लिख लेते हैं। तो एक तो देखो ये स्वर होते हैं ए आ ई ई उ उ री। अब इनमें देखो जो एक जैसे दिख रहे हैं वो क्या है? समान स्वर कहलाते हैं। जैसे ये ए आ है, ये क्या है? समान स्वर है। ये ई है और ये ई, ये दोनों क्या है? समान है। ये ऊ और ये ऊ, दोनों क्या है? समान है। और ये री बड़ी री, दोनों क्या है? समान है। तो यहाँ तक क्या है? जैसे ए आ समान स्वर है, ई ई समान स्वर है, ऊ समान है और री बड़ी री, ये भी क्या है? समान स्वर है। अब हम व्यंजन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले एक बार व्यंजन, व्यंजन क्या है देखो, एक बार पूरे लिख लेते हैं। दोस्तों हमें इन पांचों लाइनों की ज्यादा आवश्यकता है। जैसे अब ये क वाली लाइन है तो हम इसे क्या बोलते हैं? क वर्ग बोलते हैं। मतलब क वर्ग का मतलब है ये पांचों वर्ण। अब जैसे च वर्ग बोलेंगे, च वर्ग का मतलब क्या है? ये पांचों वर्ण। अब जैसे ट वर्ग बोलेंगे, ट वर्ग का मतलब क्या है? ये ट वाली लाइन के पांचों वर्ण। त वर्ग बोलेंगे तो त वाली लाइन के पांचों वर्ण। और जैसे प वर्ग बोलेंगे तो प वर्ग का मतलब प वाली लाइन के पांचों वर्ण। अब जैसे हम ये बोलेंगे पहला वर्ण, पहला वर्ण का मतलब क्या है? इन 500 वर्गों के, यानी जैसे क वर्ग बोलते तो क वर्ग का पहला वर्ण और च वर्ग का पहला वर्ण, ट वर्ग का पहला वर्ण, त वर्ग का पहला वर्ण और प वर्ग का पहला वर्ण। यानी पहले वर्ण का मतलब क्या है? ये पांचों वर्ण है। अब दूसरा वर्ण है, हम दूसरा वर्ण बोलेंगे तो दूसरे का मतलब क्या है? ये पांचों वर्ण है दूसरे वर्ण। अब जैसे हम बोलेंगे तीसरा वर्ण, तीसरे वर्ण का मतलब क्या है? ये पांचों वर्ण। अब चौथा वर्ण बोलेंगे तो चौथे का मतलब ये पांचों वर्ण और पांचवे का मतलब ये पांचों वर्ण। तो अब ध्यान रखना आगे संधि से पहले इनकी हमें आवश्यकता है। जैसे ये स्वर है तो कौन से समान स्वर है इनका ध्यान रखना। जैसे ए आ है तो ये समान है, ई ई समान है, ओ ऊ समान है, री बड़ी री समान है। और व्यंजन में ध्यान रखना पहले वर्ण का मतलब पांचों वर्ण आ जाएंगे, दूसरे का मतलब ये पांचों आ जाएंगे, ऐसे आगे भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे? संधि की परिभाषा देखेंगे। तो संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मिलाना। जैसे ही संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। संधि की परिभाषा क्या है? संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। जब दो वर्ण मिलते हैं तो वो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं, राम धन या रमाधन इज, ये उदाहरण है रमाधन इज। अभी आपको बताया था जो भी व्यंजन होते हैं उनमें क्या होते हैं? स्वर मिले हुए होते हैं। जैसे ये मार है तो मां के अंत में क्या मिला हुआ है? आ मिला हुआ है। और इधर क्या है? ई, यानी इधर तो आ मिला हुआ है और इधर क्या है? ई। तो ये आ और ई मिलके क्या बनता है? ए बनता है। मतलब यहाँ दो स्वरों का मेल हो रहा है, स्वरों का मेल होके क्या बन रहा है? ए बन रहा है। दो स्वरों का मेल हो रहा है तो ये क्या है? संधि हो गई। तो ध्यान रखना
जब दो स्वरों का मेल होता है तो वो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। अब संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि तीन प्रकार की होती है। हम देखते हैं संधि के प्रकार, संधि के कितने प्रकार है, तीन प्रकार है। तो पहला कौन सा है, स्वर संधि। इस स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल होता है, यानी क्या होता है, स्वरों का मेल होता है। और इसमें क्या होता है, स्वरों का मेल होता है, मतलब दो स्वर मिलते हैं और क्या होता है, स्वर के स्थान पर परिवर्तन। यानी जब इसमें स्वर मिलते हैं तो स्वरों के स्थान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी दो स्वर मिलके नया स्वर बनाते हैं, जैसे यहाँ पर आ और ई मिलके नया स्वर क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो ध्यान रखना, जब स्वरों का मेल होता है या स्वर के स्थान में परिवर्तन होता है तो वो कौन सी संधि कहलाती है, स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद है, पांच भेद है इसके भी। तो पहला भेद हम पढ़ते हैं, स्वर में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। स्वर में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। इस दीर्घ संधि में क्या होता है, प्लस के पहले क्या आता है, ए ई उ या फिर री। तो ध्यान रखना, ए का मतलब है तो ए बड़ा, यानी आ भी आ सकता है। यहाँ पर ई है तो बड़ी ई भी आ सकती है, उ है तो बड़ा उ भी आ सकता है, और री है तो बड़ी री भी आ सकती है। यानी प्लस के पहले क्या है, ए ई उ या फिर री आए, और बाद में क्या है, समान स्वर, यानी समान स्वर आए तो वहां कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। अभी आपको बताया था समान स्वर क्या होता है, जैसे ए है, यानी पहले क्या आ जाए, ए या आ जाए, और प्लस के बाद में क्या आ जाए, ए या आ, इनमें से कुछ आ जाए। यानी पहले मान लो ए आ गया और बाद में क्या आ गया, आ, तो ये क्या है, समान स्वर है। या मान लो पहले ए आ गया बाद में क्या आ गया, ए, तो ये भी क्या है, समान। या फिर पहले आ गया और बाद में ए आ गया, या फिर पहले आ और बाद में भी आ गया, तो ये सभी क्या है, समान स्वर है। यानी देखो ये एक जैसे दिख रही है, तो ये सभी क्या है, समान स्वर। यानी जब प्लस के पहले ए ई पूरी आ जाए और बाद में समान स्वर आ जाए तो वहां कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। जैसे हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे विद्याधन आले, ये है एक उदाहरण, विद्याधन आले। तो प्लस के पहले देखो क्या आ रहा है, आ रहा है, और बाद में क्या है, आ, तो देखो समान स्वर है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो समान स्वर आ रहा है तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। अब ये ध्यान रखना, जब पहले ए ई उ या री आ जाए और बाद में समान स्वर आ जाए तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, दीर्घ स्वर बन जाता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जैसे आ और आ है तो बड़ा स्वर क्या होगा, आ ही होगा, ध्यान रखना। जैसे ए और ए आ गया तो बड़ा क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। जैसे ए और आ गया तो बड़ा क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ध्यान रखना। चाहे दोनों तरफ आए चाहे एक तरफ आए तो बड़ा क्या हो जाएगा, आ ही होगा, ध्यान रखना। तो विद्याधन आले है तो इधर आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो आ और आ मिलके क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। अब देखो हम इसको यहाँ पर देखते हैं, यानी इस विद्या में से आ निकाल देंगे तो ये आधा बच जाएगा, और ये आ मिलके क्या बन गया, आ बन गया। तो आगे लिख देंगे आ, और आगे क्या बचा, यहाँ पर लय बचा। तो इसको हम मिला देंगे, इस दे में आ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, द्या बन जाएगा, और आगे लय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये दीर्घ संधि हो गई है। अब हम इसका दूसरा रूप देखते हैं, यानी दूसरा भेद कौन सा है इसका, स्वर संधि का दूसरा भेद कौन सा है। स्वर में दूसरी आती है, एक पहले तो हो गई दीर्घ संधि, दूसरी कौन सी है, गुण संधि। अब गुण संधि में क्या होता है, इस गुण संधि में पहले क्या आता है, प्लस के पहले ए या आता है, यानी दूसरा भेद कौन सा है, गुण संधि। इस गुण संधि में क्या होता है, प्लस के पहले तो क्या आ जाए, ए या आ जाए, और बाद में ई या बड़ी ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। उ या बड़ा उ आ जाए तो ओ हो जाता है, और री या बड़ी री आ जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है, ध्यान रखना। और वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। तो हम इसका एक उदाहरण देखते हैं, जैसे गणधन गणधन ईस,
यहाँ पर देखो प्लस के पहले क्या आ रहा है ए, या आगे से आ रहा है क्या? देखो यहाँ पर प्लस के पहले अण में ए मिला हुआ तो यहाँ ए आ रहा है, और बाद में देखो इनमें से कुछ आ रहा है क्या? बाद में देखो इनमें से आ रहा है ई, बड़ी ई आ रही है, तो देखो ए आके बाद में ई आने पर क्या हो जाता है? दोनों मिलके ए बन जाता है, तो यहाँ पर ए और ये ई मिलके क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, तो ए बन जाएगा। सबसे पहले तो हम इसमें से ए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? गण बन जाएगा, और ये ए और ये ई मिलके क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो देखो ए और आगे क्या है? स, तो हम इसको मिलाएंगे अण में, ए मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? अणे, और आगे स जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? गणेश बन जाएगा। तो यह हो गई गुण संधि। अब इसका अगला रूप है स्वर संधि का, तीसरा वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है? इसमें भी प्लस के पहले तो क्या आता है? ए या आ आता है, और बाद में क्या आता है? ए या आई आ ये, तो वहां पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है, और बाद में प्लस के बाद में ओ या औ आए तो वहां पर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। यानी ध्यान रखना, प्लस के पहले तो ए या आ जाए और बाद में ए आई आ जाए तो दोनों मिलके आई बन जाता है, और प्लस के पहले ए आए बाद में ओ औ आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो एक उदाहरण देख लेते हैं, एक धन एक। तो देखो प्लस के पहले इनमें से आ रहा है क्या? प्लस के पहले देखो क है, तो क में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ, मतलब यहाँ पर ए आ रहा है, और बाद में क्या है? ए। तो देखो प्लस के पहले ए से आ जाए, बाद में इनमें से कुछ आ जाए, देखो ए ही आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों मिलके क्या हो जाएगा? मतलब ए या आ जाए और बाद में ए आ जाए तो वहां पर आई हो जाता है, तो यहाँ पर ए आ रहा है और बाद में ए आई में से आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, मतलब ए और ए मिलके आई बन जाएगा। तो हम इसको मिला अलग करके देखते हैं एक बार, इसमें से हम ए निकाल देंगे तो क्या आधा हो जाएगा, और आगे ये ए और ये ए मिलके क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा, और आगे क्या है? क, तो हम इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ए क में आई मिला देंगे तो कई बन जाएगा, और आगे क्या है? क, तो मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा। तो ये हमारी कौन सी तीन संधियां हो गई? स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। अब चौथी कौन सी संधि है? चौथी है यण संधि। दोस्तों इन स्वर संधि की तीन संधियों में तो क्या हो रहा था? दोनों के स्थान पर परिवर्तन हो रहा था, मतलब प्लस के पहले वाला और बाद वाला दोनों मिलकर क्या बना रहे थे? नया स्वर बना रहे थे। अब जो दो संधियां हैं स्वर संधि की, एक तो कौन सी है? यण संधि, इन और एक है अयादि संधि। इन दोनों संधियों में क्या होगा? केवल पहले वाले वर्ण के स्थान पर ही परिवर्तन होगा। जैसे हम देखते हैं इसमें क्या आता है? ई उ री या फिर लरी आ जाए, और बाद में क्या आ जाए? असमान स्वर। एक तो दीर्घ संधि थी, दीर्घ में क्या था बाद में? समान स्वर, और इसमें क्या है? असमान स्वर। तो ई ऊ री या फिर री के बाद में असमान स्वर आ जाए, तो यहाँ ई का मतलब ध्यान रखना, बड़ी ई भी आ सकती है, यहाँ बड़ा ऊ भी आ सकता है, बड़ी री भी आ सकती है, और री तो है ही, तो असमान स्वर आ जाए इनके बाद में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर यह हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा, री के स्थान पर रे, और लरी के स्थान पर क्या हो जाएगा? ले हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, इति धन आदि, ये उदाहरण है। तो देखो प्लस के पहले इनमें से कुछ आ रहा है क्या? तो देखो ई ओ री लरी में से, देखो यहाँ पर जस्ट पहले क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और बाद में असमान स्वर है क्या? देखो आ रहा है, तो ई और आ समान है क्या? तो देखो इधर तो ई है और इधर आ, मतलब ये क्या है? असमान स्वर है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो देखो इसमें से ई अलग कर देंगे तो तय क्या बच जाएगा? आधा बच जाएगा, और ई के स्थान पर ये हो गया, और आगे क्या है? आदि है, तो हम मिला देंगे, ये ई तय आधा है, ये में आ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? या, और आगे का दी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? इत्यादि। तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी? यण संधि। अब हम इसका अगला भेद देखते हैं, कौन सी है? अयादि संधि। अयादि संधि, तो दोस्तों अयादि में क्या होता है? इसमें भी केवल पहले वाले वर्ण के स्थान पर ही परिवर्तन होता है। इसमें प्लस के पहले क्या आता है? ए आई
या फिर औ आता है, और बाद में क्या आता है स्वर, मतलब कोई से भी स्वर आ सकते हैं इसमें, समान असमान भी जरूरी नहीं है। तो ए आई ओ औ के बाद में कोई से भी स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा आई, और ओ के स्थान पर औ हो जाएगा, और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं इसका, हरे धन ए। तो यहाँ पर देखो जस्ट प्लस के पहले इनमें से एक ओ में से आ रहा है क्या, देखो ए आ रहा है, और बाद में देखो स्वर आ रहा है क्या, तो स्वर भी आ रहा है। तो यहाँ ये जो ए है ए के स्थान पर क्या हो जाएगा अय हो जाएगा, तो हम इसको पहले अलग कर देते हर, और ए के स्थान पर अय हो जाएगा, और आगे क्या है ए है, हम इसको मिलाएंगे। अभी देखो रह में ए मिलाने पर रह पूरा हो जाएगा, ये में ए मिलाने पर ये बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा हर ये। तो दोस्तों ध्यान रखना दो स्वर संधि के पांच भेद है, तो पांच में दो तीन संधि पहला पांच भेद है दीर्घ गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण, और पांचवा अयादि। तो इन तीन में तो क्या होता है केवल पहले वाले वर्ण के स्थान पर परिवर्तन, यानी जो प्लस के पहले वर्ण होता है इसके स्थान पर क्या होता है परिवर्तन, यानी इनमें तो क्या होता है पहले और बाद वाले यानी दोनों के स्थान पर क्या होता है परिवर्तन होता है, और जो यण और अयादि है इसमें क्या होता है केवल पहले वाले वर्ण के स्थान पर परिवर्तन होता है। तो दीर्घ गुण वृद्धि में तो दोनों मिलकर नया स्वर बनाते हैं, और इसमें यण और अयादि में क्या होता है केवल प्लस के पहले वाले वर्ण के स्थान पर ही परिवर्तन होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं व्यंजन संधि। तो दोस्तों व्यंजन संधि अब तो व्यंजन संधि में इसके भी भेद है, तो सबसे पहला भेद है स्तुतु संधि। तो दोस्तों ध्यान रखना इसमें स्तुतु संधि में तो प्लस के पहले तो क्या आ जाए स या त वर्ग, यानी एक तरफ स या त वर्ग और दूसरी तरफ स या वर्ग आ जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना इसमें ये वाले है ना ये स या त वर्ग प्लस के बाद में भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं। ध्यान रखना एक तरफ तो क्या आ जाए स या त वर्ग, और दूसरी तरफ क्या आ जाए स या च वर्ग आ जाए, तो स के स्थान पर तो क्या हो जाएगा स, और त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा च वर्ग। ठीक है ध्यान रखना एक तरफ तो स या त वर्ग आ जाए, और दूसरी तरफ स या च वर्ग आ जाए, तो स के इस स के स्थान पर तो ये वाला स हो जाएगा, और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। और हमने अभी पढ़ाई था त वर्ग का मतलब क्या है, च वर्ग का मतलब क्या है, त वर्ग का मतलब है त वाली लाइन के पूरे वर्ण, और च वर्ग का मतलब च वाली लाइन के पूरे वर्ण। तो आगे देखते हैं इसका उदाहरण देखते हैं, रामस धन क्षेत्र। तो हम उदाहरण देख रहे, तो देखो प्लस के पहले क्या आ रहा है स, तो देखो इनमें से है क्या स या त वर्ग में से आ रहा है क्या, देखो स आ रहा है यहाँ पर, और इनमें से कुछ आ रहा है क्या, तो देखो यहाँ पर स आ रहा है, तो इनमें से भी आ रहा है, मतलब इनमें दोनों तरफ आ रहा है। तो देखो स या त वर्ग आ जाए एक तरफ, दूसरी तरफ स या च वर्ग आ जाए, तो स के स्थान पर क्या हो जाता है स, तो देखो इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा संगम वाला स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा राम सयाद है, और ये सेते मिला देंगे तो क्या बन जाएगा राम सेते बन जाएगा। तो ध्यान रखना इसमें क्या है एक तरफ तो स या त वर्ग, और दूसरी तरफ स या च वर्ग आ जाए, तो इस स के स्थान पर तो ये स, और त वर्ग हो तो त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा च वर्ग। तो देखो यहाँ पर स आ रहा है, ये उस वाला से आ गया, और दूसरी तरफ इनमें से भी आ गया, तो इनके स्थान पर परिवर्तन हो जाएगा, मतलब इस स के स्थान क्या हो जाएगा ये वाला स हो जाएगा, यानी ये वाला स यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा रामस चैत्य बन जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे इसका दूसरा रूप देखते हैं इष्टुत्व संधि। तो इष्टुत्व संधि में भी इसी की जैसे है, इसमें भी क्या होता है एक तरफ तो स या त वर्ग आ जाए, और दूसरी तरफ क्या है स या च वर्ग आए, यानी प्लस के एक तरफ तो स या च वर्ग, और दूसरी तरफ स या च वर्ग हो तो स के स्थान पर यहाँ पर कौन सा स होगा षटकोण वाला स, और त वर्ग के स्थान क्या होगा त वर्ग होगा। तो ध्यान रखना जैसे उदाहरण देखते हैं
रामस धन टीक ते, आ गया रामस धन टीक ते। तो देखो इनमें से कुछ आ रहा है क्या सह या तवर्ग में से, तो देखो यहाँ पर सह आ रहा है, और इनमें से कुछ आ रहा है क्या सह या तवर्ग में से, देखो यहाँ पर भी वो यहाँ पर टेवर होगा दोस्तों, सॉरी टेवर कहेगा, तो देखो सह या तवर्ग में से तो यहाँ पर सह आ गया, और सह यहाँ पर भी सह सकुन वाला आएगा, और सह तो यहाँ पर देखो सह या तवर्ग एक तरफ तो सह या तवर्ग, तो देखो यहाँ पर सह आ रहा है, और दूसरी तरफ सह या तवर्ग में से देखो यहाँ पर तवर्ग आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इनके स्थान पर परिवर्तन होगा, मतलब सह आ रहा है तो सह के स्थान पर सह हो जाएगा, और यदि तवर्ग आ रहा है तो तवर्ग के स्थान क्या हो जाएगा तवर्ग हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर सह आ रहा है तो सह के स्थान पर यह सह हो जाएगा, तो मिला देंगे हम तो देखो यहाँ पर सह आता है तो यह सह भी आधा ही होगा, और यह टीक ते इसमें मिला देंगे तो क्या बन जाएगा रामस टीक ते बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका भी ध्यान रखना, हम इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे पेश धन ता, तो देखो इनमें से आ रहा है सह या तवर्ग में से, तो देखो इधर तो नहीं आ रहा सह या तवर्ग भी नहीं आ रहा, तो इधर देखते हैं हम, तो देखो तवर्ग आ रहा है यहाँ पर तैयार है, तैयार है यहाँ पर, तो इनमें से तो आ गया, अब देखते इधर इनमें से है क्या, तो देखो सह या टेवर, तो देखो सह आ रहा है, तो परिवर्तन क्या होगा इनके स्थान पर परिवर्तन होगा, तो देखो ये इधर टेवर है तो टेवर के स्थान क्या हो जाएगा टेवर हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर टे वाली लाइन का पहला वर्ण है तय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टे वाली लाइन का पहला वर्ण हो जाएगा, मतलब तय के स्थान पर क्या हो जाएगा टे हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पेश से आता है और तय के स्थान पर टे हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा पेष्टा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका एक उदाहरण और देख लेते, रास धन त्रम, अब देखो यहाँ पर एक तरफ तो इनमें से या तवर्ग आ रहा है क्या, तो देखो यहाँ पर तवर्ग आ रहा है इनमें, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि त्रय, त्रय में क्या है किससे मिलकर बनता है, तय और र और ऐसे मिलकर क्या बनता है यह त्रय बनता है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या आ रहा है तैयार है, मतलब इनमें से तो आ रहा है यहाँ पर, अब देखते हैं इनमें से भी कुछ आ रहा है क्या सह या तवर्ग आ रहा है क्या, तो देखो यहाँ पर सह भी आ रहा है, तो परिवर्तन हो जाएगा इनके स्थान पर, मतलब इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा ये जो तय है ना इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा तय हो जाएगा, तो टै और टै में रह मिला देंगे तो क्या बन जाएगा टै में रह और ए मिला देंगे क्या बन जाएगा ट्रै बन जाएगा, तो ये रा से आधा है तो इस तय के स्थान पर टै हो गया, टै में रह मिलाने पर ट्रै बन गया, तो ये क्या हो जाएगा ट्रै, और आगे को मैं जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा राष्ट्रम, तो ध्यान रखना इनका ये भी पता होना चाहिए कि जैसे त्रय किससे मिलकर बनता है, जैसे ये है यानी इसको हम जे बोलते हैं, वैसे जे तो ये किससे मिलकर बनता है, और ये जो श्रेय है ये किससे मिलकर बनता है, इनका भी पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं कौन सी संधि है, जस्तु संधि, तो स्तुतु और स्तुतु संधि दोनों एक जैसी है, ध्यान रखना इसमें भी क्या होता है एक तरफ सह या तवर्ग, और इसमें स्तुतु में भी एक तरफ सह या तवर्ग है, तो दोनों का ध्यान रखना। हम आगे देखते हैं कौन सी है, जस्तु संधि, तो दोस्तों इसके दो भेद हो गए व्यंजन संधि के, अब तीसरा भेद कौन सा है, जस्तु संधि है, तीसरा भेद कौन सा है जस्तु संधि, तो जस्तु संधि में तो क्या आता है प्लस के पहले क्या आता है पहला दूसरा तीसरा या चौथा वर्ण, यानी पहले तो क्या आता है पहला दूसरा तीसरा या चौथा, इनमें से कोई सा भी आ सकता है, चारों साथ नहीं आएंगे, और बाद में क्या होगा कोई स्वर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर है ये वर्ण है इनमें से कुछ हो तो क्या हो जाएगा इनके स्थान में क्या हो जाएगा तीसरा वर्ण हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा तीसरा वर्ण, यानी जस्तु संधि में क्या होता है पहले तो पहला दूसरा तीसरा या फिर चौथा वर्ण, और बाद में या तो स्वर आ जाए या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए या फिर है या वर आ जाए, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा तीसरा वर्ण, और वैसे ध्यान रखना इसमें प्लस के पहले ज्यादातर आपको पहला वर्ण ही मिलेगा। ठीक है, पहला वर्ण आ जाए प्लस के पहले तो कौन सा करना है तीसरा करना है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, वाक धन ईस,
तो देखो यहाँ पर इनमें से आ रहा है क्या प्लस के पहले, तो देखो पहला वर्ण आ रहा है यहाँ पर, और बाद में इनमें से आ रहा है क्या कुछ, तो देखो इनमें से क्या स्वर है, तो इनमें से भी आ रहा है स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इनके स्थान पर तीसरा वर्ण, यानी जो क आ रहा है ना क के स्थान पर क्या हो जाएगा तीसरा, मतलब क क्या है, क वाली लाइन का पहला वर्ण है तो क वाली लाइन का ही तीसरा वर्ण हो जाएगा, यानी क वाली लाइन का तीसरा वर्ण क्या आता है, ग आता है, तो वाह ये ग, और आगे क्या है ईस, हम इसको मिला देंगे ग में ई मिला देंगे तो क्या बन जाएगा गी, और आगे का से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा वागीस बन जाएगा, तो ठीक है ध्यान रखना प्लस के पहले तो पहला दूसरा तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, और बाद में स्वर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या है ये वर्ण आ जाए, तो यहाँ पर जो प्लस के पहले एक दो तीन चार में से कोई सा वर्ण होगा उसके स्थान पर कौन सा तीसरा वर्ण हो जाएगा, और ध्यान रखना ज्यादातर यहाँ पर प्लस के पहले पहला वर्ण ही मिलेगा आपको, और पहले के स्थान पर कौन सा करना है तीसरा वर्ण करना है, और ध्यान रखना जहां पर पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो रहा है वहां कौन सी संधि होगी जयस्तु संधि होगी, अब इसका अगला भेद है चतु संधि, कौन सी है चतु संधि, तो चतु संधि में क्या होता है पहले तो पहला दूसरा तीसरा या फिर चौथा वर्ण, और बाद में क्या आता है पहला दूसरा या फिर से, से, से आ जाए, तो यहां पर इनके स्थान पर क्या होगा पहला वर्ण होगा, ध्यान देना जस्तु में तो क्या हो रहा था पहले के स्थान पर तीसरा हो रहा था, और इसमें क्या होगा ज्यादातर इसमें तीसरा या फिर चौथा वर्ण आएगा, यानी तीसरे चौथे के स्थान पर क्या करना है हमें पहला, यानी पहले के स्थान पर तीसरा हो तो जस्तु है, और तीसरे चौथे के स्थान पर पहला हो तो वहां कौन सी हो जाएगी चतु संधि, तो ध्यान रखना जब प्लस के पहले तो पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, और बाद में पहला दूसरा या से से आ जाए, तो वहां पर इस पहले दूसरे तीसरे चौथे के स्थान में क्या करना है पहला वर्ण करना है, जैसे ककुधन प्रांत, क्या है ककुधन प्रांत, तो देखो प्लस के पहले क्या आ रहा है चौथा वर्ण, मतलब इनमें से आ रहा है, मतलब इनमें से आ रहा है, और बाद में भी देखो इनमें से कुछ आ रहा है क्या पहला दूसरा या सर सर, तो देखो प्रांत क्या आ रहा है पहले प आ रहा है फिर र फिर आ रहा है और फिर त आ रहा है, तो देखो सबसे पहले पहला वर्ण आ रहा है, यानी पहले तो इनमें से आ रहा है पहले दूसरे तीसरे चौथे में से आ रहा है, और बाद में ये पहला वर्ण आ रहा है, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा पहला, मतलब इस भय के स्थान पर पहला वर्ण हो जाएगा, तो भय कौन सी पै वाली लाइन भय है, तो पै वाली लाइन का पहला वर्ण क्या होता है पै ही होता है, मिला देंगे हम इसको ककु पे बन जाएगा पै भय आता है तो पै भी आधा ही होगा, और प्रांत मिला देंगे तो ककु प्रांत बन जाएगा, ठीक है तो ककु प्रांत बन जाएगा, अब आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं सद धन कार है, दूसरा उदाहरण है सद धन कार, तो सद धन कार है तो देखो पहले क्या आ रहा है पहले दूसरे तीसरे चौथे में से आ रहा है प्लस के पहले, और बाद में पहला दूसरा या से आ रहा है क्या, देखो पहला वर्ण आ रहा है, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा पहला वर्ण हो जाएगा, यानी द के स्थान पर पहला वर्ण हो जाएगा, तो द देखो ते वाली लाइन का है तो ते वाली लाइन का पहला वर्ण क्या हो जाएगा हो जाएगा, तो दे आता है तो दे भी आता ही होगा, और आगे कार जोड़ देंगे तो सत्कार बन जाएगा, तो ठीक है दोस्तों ये चतु संधि भी हो गई है, तो जस्तु में तो ध्यान रखना ज्यादातर पहले के स्थान पर तीसरा वर्ण होगा, और चतु में ज्यादातर तीसरे चौथे के स्थान पर पहला वर्ण होगा, तो आगे इसका पांचवा भेद है कौन सी अनुस्वार संधि, कौन सी है अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि में क्या आता है प्लस के पहले तो आधा में आता है, और बाद में क्या आता है कोई भी व्यंजन, यानी आधे में के बाद में व्यंजन आ जाए तो मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा, ध्यान रखना जैसे उदाहरण देखते हैं हम हरिम धन वंदे, क्या आ रहा है हरिम धन वंदे आ रहा है, तो देखो प्लस के पहले आधा में आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है व्यंजन आ रहा है, तो मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा, तो देखो ऐसा बन जाएगा हरिम वंदे, ठीक है दूसरा उदाहरण और देख लेते हम विद्यालयम धन गच्छति, क्या आ रहा है विद्यालयम धन गच्छति, तो देखो मैं आ रहा है और आधा में आधी मैं के बाद में गया रहा है, यानी व्यंजन आ रहा है तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा विद्यालयम और आगे
गच्छती बन जाएगा, ठीक है, विधायम गच्छती ऐसा बन जाएगा। तो दोस्तों ये अशुद्धि संशोधन में भी आपके दे सकते हैं, यानी इस प्रकार दे सकते हैं, जैसे देखो राम है विद्यालयम गच्छति, तो ये अशुद्धि संशोधन में भी इस प्रकार आ सकता है, यानी ये आधा में आ जाएगा ना, इसको इसके स्थान क्या करना है, अनुस्वार करना है, यानी ऐसा आ गया तो ये गलत माना जाएगा। तो ठीक है, ध्यान रखना अनुस्वार संधि का, जब आधे मैं के बाद में क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो मैं के स्थान में क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो ध्यान रखना जस्तु और चर्चु संधि दोनों लगभग एक दूसरे के विपरीत है, मतलब जस्तु में तो पहले के स्थान पर तीसरा और चर्चु में क्या हो रहा है, तीसरे चौथे के स्थान पर ज्यादातर पहला वर्ण होता है, ठीक है। और आगे है अनुस्वार संधि, आधे मैं के बाद में क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो मैं के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारी हो गई व्यंजन संधि। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, जहां पर विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है, विसर्ग संधि। तो व्यंजन में, तो व्यंजन संधि में क्या था, जहां पर व्यंजन के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है, और यदि विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। तो तीसरी संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। इसमें क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन, तो इसमें क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर यदि कोई परिवर्तन होता है वो कौन सी संधि कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। तो विसर्ग संधि में क्या होता है, इसमें इसके भी कुछ भेद है। तो सबसे पहले तो कौन सी विसर्ग, सत्व संधि। विसर्ग सत्व संधि में क्या होता है, विसर्ग होता है, इस विसर्ग के स्थान क्या हो जाता है, सय हो जाता है, इस विसर्ग के स्थान में क्या हो जाता है, सय हो जाता है। तो विसर्ग संधि में देखो प्लस के पहले तो क्या आता है, विसर्ग आता है, और बाद में क्या आता है, पहला दूसरा या फिर सय सय सय, या तो पहला दूसरा वर्ण आ जाए या फिर सय 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 आ जाए, तो विसर्ग के स्थान में क्या होगा, सय होगा, विसर्ग के स्थान क्या हो जाएगा, सय हो जाएगा। जैसे विष्णु धन्य त्राता, क्या आ जाएगा, विष्णु धन त्राता। अभी आपको बताया था त्रय किससे मिलकर बनता है, तय और रह से मिलकर बनता है, यानी तय रह और तय मिलकर क्या बन जाएगा, त्रय बन जाएगा। और इसमें तय और रह में क्या जोड़ देंगे, आ जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, तय आ रहा है, मतलब पहला वर्ण आ रहा है। तो विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, पहला दूसरा या सह सह आ जाए, तो विसर्ग के स्थान क्या हो जाता है, ये वाला सह हो जाता है। तो देखो पहला वर्ण आ रहा है तो विसर्ग के स्थान क्या हो जाएगा, ये वाला सह हो जाएगा। तो मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विष्णु, और विसर्ग के स्थान पर सह हो जाएगा, त्राता जोड़ देंगे तो विष्णु से त्राता बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, विष्णु त्राता बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना आप एक ये दो उच्चारण स्थान देख लो, जैसे एक तो ई चवर्ग ये और से, और री टवर्ग रे और से। तो इनका ध्यान रखना, जब चवर्ग आए चवर्ग के साथ हमें ध्यान रखना से का, और टवर्ग के साथ इस से का ध्यान रखना हमें। जैसे आप देखते हैं दूसरा उदाहरण राम है धन चे, ये क्या आ गया, राम है धन चे। अब इस यहाँ पर देखो विसर्ग के बाद में हमने यहाँ पर पढ़ा कि पहला दूसरा वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान में क्या करना है, सह करना है। तो देखो विसर्ग के बाद में पहला वर्ण आ रहा है तो विसर्ग के स्थान में क्या हो जाएगा, ये वाला सह हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यदि विसर्ग के बाद में, मतलब पहले तो ये ही सह होता है लेकिन बाद में इस सह के स्थान में यह वाला सह हो जाता है, कौन सी संधि के कारण, स्तुत्व संधि के कारण हो जाता है। ये ध्यान रखना, स्तुत्व संधि में देख लेना अभी पढ़ाया था आपको, तो उसके अनुसार ये हो जाता है। और उच्चारण स्थान के अनुसार भी ध्यान रख सकते हैं हम, जैसे मान लो विसर्ग के बाद में क्या है, चवर्ग आए, यानी विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, चवर्ग आ जाए, तो विसर्ग के स्थान कौन सा से करना है, यह वाला से करना है। और विसर्ग के बाद में टवर्ग आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ये षटकोण वाला से करना है। और बाकी कुछ भी आए, मतलब इनमें से पहले दूसरे वर्ण या से आए तो विसर्ग के स्थान में क्या कर देंगे, ये वाला से ही करना है। विसर्ग के बाद में यदि ये से आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर यही से होगा, विसर्ग के बाद में ये से आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ये षटकोण वाला से ही होगा। और
विसर्ग के बाद में चैवर्ग आ जाए तो ये विसर्ग के स्थान में ये स होगा, और विसर्ग के बाद में टैवर्ग आ जाए तो विसर्ग के स्थान में ये वाला स हो जाएगा। जैसे देखो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, चैवर्ग आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान कौन सा स होगा, ये सलगम वाला स होगा। तो देखो क्या बन जाएगा, रामस्य बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना विसर्ग के बाद में चैवर्ग आ जाए तो विसर्ग के स्थान में ये सलगम वाला स करना है, और विसर्ग के बाद में टैवर्ग आए यानी विसर्ग के बाद में क्या आए, यहाँ पर टैवर्ग आ जाए तो विसर्ग के स्थान में कौन सा, ये षटकोण वाला स होगा। और ध्यान रखना विसर्ग के स्थान पर कभी भी कोई सा वर्ण होगा तो वो हमेशा आधा ही होगा, तो चैवर्ग आ जाए विसर्ग के बाद में तो ये स आधा ही होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये स है तो ये आधा ही होगा हमेशा, यदि सलगम वाला स होगा तो भी आधा ही होगा, षटकोण वाला होगा तो भी आधा ही होगा। तो ठीक है दोस्तों, हम अगली संधि देखते हैं। पहली संधि विसर्ग शत्रु संधि हो गई, अब दूसरी संधि कौन सी है, विसर्ग उत्व संधि। तो ध्यान रखना जहां पर विसर्ग के स्थान पर स होता है, यानी यदि विसर्ग के स्थान पर स हो रहा है तो वो कौन सी, विसर्ग शत्रु संधि, और विसर्ग के स्थान क्या हो जाए, उब हो जाए, विसर्ग उत्व संधि। उत्व, उत्व का मतलब क्या है, उ, और विसर्ग का मतलब विसर्ग, इसमें क्या होता है विसर्ग के स्थान में क्या हो जाए, उ हो जाए, तो कौन सी संधि कहलाती है, विसर्ग उत्व संधि। तो इसमें भी ध्यान रखना दो भेद है, एक तो पहले ए हो, ए के बाद में विसर्ग, और बाद में भी क्या हो, ए हो, यानी ध्यान रखना विसर्ग के दोनों तरफ ए हो तो विसर्ग के स्थान क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। तो विसर्ग के स्थान पर उ होने पर देखो ये ए और ये उ मिलके क्या बन जाता है, ओ बन जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा, ओ, और ये बाद वाला ए है ना, इस ए के स्थान में ऐसा अव्यय चिन्ह हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ध्यान रखना। यदि विसर्ग के दोनों तरफ ए हो तो यानी ये ए और ये विसर्ग, यानी विसर्ग के स्थान पर उ होगा और ये फिर ए और उ मिलके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, और इस बाद वाले ए के स्थान पर अव्यय चिन्ह हो जाएगा। तो देखो ये दोनों मिलके तो ओ बन गया, और बाद वाला ए ऐसा बन गया तो ये क्या बन गया, ओ बन गया। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे एक उदाहरण देखते रामायण अपि, तो देखो विसर्ग के पहले ए आ रहा है और बाद में भी ए आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ जाएगा तो ये ए और उ मिलके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रामो, और बाद वाले ए के स्थान पर अव्यय चिन्ह हो जाएगा और पी मिला देंगे तो रामो अपि बन जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा रूप देखते हैं, यानी दूसरा भेद देखते हैं। इसमें तो क्या था, विसर्ग के पहले ए और बाद में भी ए था, अब इसमें क्या है, विसर्ग के पहले तो ए होगा और बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा या फिर हयवरल होगा। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा या हयवरल हो तो वहां भी विसर्ग के स्थान में क्या होगा, उ होगा, और उ होने पर ये ए और उ मिलके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। जैसे रामहरण हस्ती, ये क्या आ रहा है, रामहरण हस्ती, तो देखो इनमें से कुछ आ रहा है क्या, विसर्ग के पहले देखो ए आ रहा है क्या, देखो यहाँ पर विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए, ए, तो ए आ रहा है, बाद में देखो तीसरा चौथा पांचवा या हयवरल आ रहा है क्या, तो देखो इनमें से भी आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा, तो ये ए और उ मिलके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, तो मिला देंगे हम तो क्या बन जाएगा, रामो और हस्ती जोड़ देंगे तो रामो हस्ती बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना दो भेद है, एक में तो विसर्ग के दोनों तरफ ए हो और दूसरे में विसर्ग के पहले ए और बाद में विसर्ग के बाद में क्या होना है, क्या होना चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर है वर्ण, तो विसर्ग के स्थान में क्या हो जाता है, उ हो जाता है। तो ठीक है, अब हम इसका अगला रूप देखते हैं, यानी अगली संधि कौन सी है, हमारे पास सत हो गई, उत्व हो गई, अब है विसर्ग रुत्व संधि। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग रुत्व संधि, तो विसर्ग संधि का तीसरा भेद है विसर्ग रुत्व संधि। विसर्ग रूप संधि में क्या होता है, इसमें विसर्ग के पहले तो क्या आना चाहिए, ए आपको छोड़कर अन्य स्वर, यानी इसमें पहले विसर्ग के पहले तो क्या आना चाहिए, ए आपको छोड़कर अन्य स्वर, और बाद में क्या आना चाहिए, विसर्ग रूप संधि में बाद में क्या आता है, यानी बाद में क्या आता है, स्वर, यानी कोई भी स्वर, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर है ये वरल,
यानी विसर्ग ऋतु संधि में क्या आता है, विसर्ग के पहले तो ए आ को छोड़ के अन्य स्वर और बाद में कोई स्वर, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर हय वर्ण आए तो वहां पर विसर्ग के स्थान में क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो हम देखते हैं इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, मुनिधन इति। तो देखो विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो विसर्ग के पहले ए आ को छोड़ के अन्य स्वर आ रहा है तो विसर्ग के स्थान में क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। यानी इनमें से देखो विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए, ए आ को छोड़ के अन्य स्वर आना चाहिए और यहाँ पर ए आ को छोड़ के अन्य स्वर मतलब ई आ रहा है, मतलब ए आ को छोड़ के अन्य स्वर आ रहा है और बाद में इनमें से देखो स्वर तीसरा चौथा पांचवा या हय वर्ण आ रहा है, यहाँ पर देखो ई आ रहा है मतलब स्वर आ रहा है, तो यहाँ विसर्ग के स्थान में क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं, मुनि विसर्ग के स्थान में क्या हो गया, र हो गया और आगे क्या है इति, हम इसको मिला देंगे, र में ई मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, री बन जाएगा और आगे का ती जोड़ देंगे तो मुनि रीति बन जाएगा। तो वैसे तो इसमें ध्यान रखना विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए, ए आ को छोड़ के अन्य स्वर आना चाहिए, यानी विसर्ग के पहले यदि ए आ जाए तो वहां विसर्ग के स्थान पर रह नहीं होता है, लेकिन एक स्थिति में विसर्ग के पहले ए या आ भी आ सकता है, यानी ए आ कब आ सकता है, तो देखते हैं यहाँ पर, तो यदि ए आ क्या हो अव्यय संबंधी, रिकारांत या फिर संबोधन संबंधी, यानी क्या कब आ सकता है, जब ए या आ क्या हो अव्यय संबंधी, रिकारांत या संबोधन संबंधी हो तो विसर्ग के पहले ए आ आने पर भी विसर्ग के स्थान में क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं हम, पुनः धन अत्र, क्या है पुनः धन अत्र, तो देखो विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए ये पुनः क्या है, ये अव्यय है, यानी पुनः क्या है अव्यय, तो ये ए क्या हो गया अव्यय से संबंधित हो गया, मतलब अव्यय से संबंधित है ये, तो देखो यहाँ विसर्ग के स्थान क्या हो सकता है, र हो सकता है। वैसे तो विसर्ग के पहले ए या आने पर विसर्ग के स्थान पर र नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या आ जाए, ए या आ अव्यय संबंधी, रिकारांत या संबोधन संबंधी हो तो वहां विसर्ग के स्थान क्या हो सकता है, र हो सकता है। तो हम इसको मिला देंगे तो देखो ये हो जाएगा, और विसर्ग के स्थान पर र हो गया और आगे क्या है अत्र, र में ए मिला देंगे तो र पूरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पुनरत्र बन जाएगा। ठीक है, अब रिकारांत का मतलब कोई रिकारांत शब्द हो, जैसे पितृ शब्द है, ये क्या है रिकारांत है, तो जैसे पिता है धन वंदे आ गया, तो यहाँ पर भी देखो विसर्ग के पहले ए आ रहा है, तो ये क्या है पिता है, रिकारांत शब्द है, यानी पितृ शब्द रिकारांत है, तो ये रिकारांत से संबंधित हो गया, तो यहाँ पर भी विसर्ग के स्थान पर रह हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर रह हो जाएगा और रह और आगे क्या है वंदे। तो ध्यान रखना यदि आगे रह के बाद में कोई व्यंजन हो तो रह कहाँ चला जाता है, व्यंजन के ऊपर चला जाता है, तो ये ऐसा बन जाएगा पितर वंदे। तो ये जो पिता है वंदे है, तो जो ये पिता है शब्द है ये क्या है संबोधन का एकवचन ऐसा आता है, ये पिता है, यानी ये संबोधन संबंधी भी है और रिकारांत भी है। तो ध्यान रखना वैसे तो विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए, ए आ को छोड़ के अन्य स्वर आए तभी विसर्ग के स्थान पर रह होता है, लेकिन ए आ कब आ सकते हैं, जब ये ए या आ क्या हो अव्यय संबंधी, रिकारांत या संबोधन संबंधी हो तो वहां भी विसर्ग के स्थान क्या हो सकता है, रह हो सकता है। तो ठीक है, अब हम इसका अगला भेद देखते हैं, अगला भेद कौन सा है, विसर्ग लोक संधि है। तो इसका अगला भेद है विसर्ग लोक संधि। तो विसर्ग लोप संधि, लोप का मतलब क्या होता है, हट जाना, यानी विसर्ग लोप मतलब जहां पर विसर्ग हट जाता है वो कौन सी संधि कहलाती है, विसर्ग लोप संधि कहलाती है। इसके चार भेद हैं, सबसे पहले तो क्या है विसर्ग के पहले क्या आ जाए और बाद में क्या आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है ये वरल या फिर स्वर, यानी विसर्ग के पहले तो आए बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर है ये वरल या फिर स्वर आ जाए, तो वहां विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग हट जाएगा। जैसे बाला धन गच्छति,
ये आ गया बालाह दनित गच्छति, तो देखो विसर्ग के पहले आ रहा है क्या, तो देखो विसर्ग के पहले आ भी आ रहा है और बाद में इनमें से देखो तीसरा वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बाला गच्छति बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, बाला गच्छति। अब इसका दूसरा भेद है, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, इसमें विसर्ग के पहले तो ए होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, ए को छोड़कर अन्य स्वर, यानी पहले विसर्ग के पहले तो क्या हो, ए हो और बाद में विसर्ग के बाद में ए को छोड़ के अन्य स्वर हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे जैसे यह है राम है धन्य आगच्छति, यह है राम है धन्य आगच्छति, यानी विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए और विसर्ग के बाद में एक को छोड़ के अन्य स्वर हो, तो वहां विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ विसर्ग के पहले आ रहा है और बाद में आ रहा है, मतलब एक को छोड़ के अन्य स्वर है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, राम और इधर आगच्छति, राम आगच्छति बन जाएगा। अब इसका तीसरा भेद है विसर्ग लोप संधि का, तीसरे भेद में क्या होता है, विसर्ग के पहले तो क्या हो, ए और बाद में क्या हो, ए को छोड़कर अन्य वर्ण। अब इन दोनों का ध्यान रखना, इसमें तो क्या था, ए को छोड़ के केवल स्वर थे और यहां पर क्या है, अन्य वर्ण, यानी ए को छोड़ के अन्य वर्ण, मतलब ए के अलावा कुछ भी स्वर भेद कुछ भी आ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं राम है धन्य गच्छति, तो देखो यहाँ पर विसर्ग के पहले ए आ रहा है क्या, तो विसर्ग के पहले ए भी आ रहा है और बाद में ए को छोड़ के अन्य वर्ण भी आ रहा है, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, राम गच्छति बन जाएगा। अब इसका एक लास्ट भेद और है, तो उसमें भी क्या होता है, विसर्ग का लोप होता है। तो लास्ट भेद कौन सा है देख लेते हैं एक बार, जैसे तो विसर्ग लोप संधि का लास्ट चौथा भेद है, इसमें भी क्या होता है, पहले तो क्या हो, स्वर और बाद में विसर्ग और बाद में क्या हो, रह हो, बाद में रह हो, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और ये जो स्वर होता है इसके स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी जैसे ए है तो ए के स्थान पर आ हो जाएगा, ई है तो ई के स्थान पर बड़ी ई, ऊ है तो बड़ा हो जाएगा। जैसे यह गया पुनः धन्य रमते, तो देखो विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है पर बाद में क्या आ रहा है, रह आ रहा है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो ये स्वर है ना इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, मतलब ए है तो ए के स्थान क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो पुनः और आगे विसर्ग का लोप हो जाएगा, आगे क्या है, रमते, तो क्या हो जाएगा, पुनः रमते। एक उदाहरण और देख लेते हम, भानु धन्य राजते, बानुगु धने राजते, तो देखो विसर्ग के पहले स्वर आ रहा है और बाद में रह आ रहा है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो ये स्वर उ है इस उ को दीर्घ मतलब बड़ा उ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, भानु, और आगे विसर्ग का लोप हो जाएगा और राजते जोड़ देंगे तो भानु राजते बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।